शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17 शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। फिर अहितोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छाटने दे और मैं उठकर आज ही की रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और जब वह थका और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, और मैं राजा ही को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इसराइली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरे की हुशय को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनेंगे। जब हुशय अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहितोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशय ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहितोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हुशय ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं, और बच्चा छिनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे, और तेरा पिता योद्धा है और लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय तो वह किसी गड्ढे व किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले पहले कोई कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे कि अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह कासा होता है उसका भी हियाव छूट जाएगा। समस्त इसराइल तो जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले समस्त इसराइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए, और तू आप ही युद्ध को जाए, और जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा, और यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इसराइली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इसराइली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशय की सम्मति अहितोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहितोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। तब हुशय ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहितोपेल ने यो तो अबशालोम और इसराइली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है, इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नाश हो जाए। योनातन और अहिमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक लौंडी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी, और वे जाकर राजा दाऊद को संदेशा देते थे क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक छोकरे ने तो उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआ था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। तब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहिमास और योनातन कहा है? स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए, तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर
दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद ने कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहितोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यर्दन पार हो गया और पह फटने तक उसमें से एक भी न रह गया जो यर्दन के पार न हो गया हो। जब अहितोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। दाऊद तो महनैम में पहुंचा और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यर्दन के पार गया और अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इस्राएली इत्रो था और वह योआब की माता सरुयाह की बहन अबीगल नाम नाशान की बेटी के संग सोया था और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहश का पुत्र शोबी और लोदरबरवासी अम्मीएल का पुत्र माकिर और रोगलिमवासी गिलादी बर्जिल्ले चारपाइया तसले मिट्टी के बर्तन गेहूं जव मैदा लोबिया मसूर चबेना मधु मक्खन भेड़ बकरिया और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोच कर ले आए कि जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे।